कमरिया वाला गाना बजाइए तब ना करेंगे। अच्छा पतला कमरिया वाला चलेगा। हेलो दोस्तों, तो आज ऐसा एक जगह पे आ गए हैं ना, क्या बोले आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत जगह आई है। तो मेरा नाम है आनंद, आप लोग देख रहे संडे मस्जिद, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो देखिए कितना मेरा भक्त लोग आया है, सबको आए हैं, मेरा वाइफ उसके सब साली आ रही है, साला ठो आ गया। देखिए देखिए देखिए, तो ये जगह जो है ना, ये पोटला बाबा के नाम से जाना जाता है, और ये पालेड़ी, इस एरिया का नाम है पालेड़ी, जो कि झारखंड का लास्ट में एकदम बॉर्डर के सामने, जस्ट इसका से करीबन आधा किलोमीटर होगा यहाँ से उड़ीसा जाने के लिए, रायरामपुर रोड में, जो कि रायरामपुर जो कि कटक वाला रोड में, ये वाला एकदम सामने में ही, जो सामने में एक तो बड़ा सा पहाड़ है उसी के ऊपर में है, जो कि एक कोटला बाबा के नाम से जाना जाता है, शिवलिंग है यहाँ पे, और यहाँ का कुछ रहस्यमय बात पता चला है। तो चलिए पहले यहाँ का आप लोग सीन देख लीजिए, उसके बाद रहस्यमय बातें आप लोगों को बताते हैं। और थोड़ा सा जो कि देखिए, ओ देख कहाँ पे चल रहा हो नंदी बाबा के ऊपर चढ़ रहा देखिए देखिए, मेरे सब 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 साली सब है यार इधर, तो क्या है साली साहब, तो देखिए उसको देखिए। तो पहले यहाँ के तो आप लोग सीन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग से फिर से वो जो रहस्यमय बातें हैं वो आप लोगों को बताते हैं। सो दोस्तों, आप लोग एक ऐसा जगह लेके जा रहे हैं ना अभी, तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। और उस जगह पे जा रहे हैं, जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम लोग कैसे ऊपर आए हैं वो पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ढलान था, तो पहले वीडियो देख लीजिए, तब तक हम भी वो जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को हम ले जा रहे हैं वो खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। यहाँ पे आने पे कैसा लगा आपको? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत थकावट लग रहा है, दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत ढलान है क्या? शादी के बाद दूसरी बार। बहुत ढलान है, बहुत ढलान। साथ आए थे और आज बहुत ढलान है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कितना खूबसूरत नजारा है, एकदम पीछे साइड देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। वो जो गाँव है, वो वाला जो गाँव, वो मेरा ससुराल वाला गांव है, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, पेड़ पौधा बहुत, मतलब बहुत मस्त लग रहा देखने में। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा बैक कैमरा से दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो स्कूल का बाउंड्री से दिखाई दे रहे हैं वाला मेरा ससुराल वाला गांव है, तो चलिए थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो देखते हैं किस तरह से जूम में, तो शायद क्लियर नहीं आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा नज़र तो आएगा। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं सामने से जूम करके, देखिए ये वाला मेरा ससुराल वाला गांव है, और वो जो व्हाइट व्हाइट टाइप के दिख रहा है ना थोड़ा सा मेरा उंगली के जस्ट ऊपर में, वहाँ पे वो वाला तिरंगेट का काली मंदिर है, जो कि उड़ीसा, वो भी झारखंड में थोड़ा सा वो जस्ट दो तीन कदम आगे तिरिंग गेट हो है, जो कि उड़ीसा का बॉर्डर, वहाँ पे वो वाला बॉर्डर का काली मंदिर है, और हम फिलहाल अभी खड़े हैं झारखंड में, और वो है उड़ीसा, यहाँ से करीबन हाफ किलोमीटर भी नहीं होगा दिख रहा है, मतलब हाफ किलोमीटर भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत लग रहा है। हम कहते हैं ना दोस्तों कि इस साइड हम लोग का देहात में बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं हो सकता है, लेकिन
नेचुरल से भरा हुआ, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से देखने से। तो चलिए उन लोग बुला रहा है, तो चलते हैं उन लोगों के पास, देखते हैं उन लोग क्या कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक तो बेल का पेड़ भी है, प्लस बहुत सारा पेड़ है, तो लेकिन ये वाला पहचान रहे हैं, इसका नाम नहीं मालूम है। और ये रहा शिवलिंग जो कि सब सली हुई है। और उधर देखिए साला जी क्या कर रहा पता नहीं, वो सब झाड़ी सब साफ कर रहा हो। और उधर वहाँ पे नंदी भगवान जी भी है देख सकते हैं, जो कि एक उसके ऊपर में चढ़ रही थी। ये देखिए नंदी भगवान, यहाँ पे नंदी भगवान जी। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेवा, शंभु शंभु। तो अभी फिलहाल सब कोई मिलके साफ करने लग गई, देख सकते हैं। मैडम जी अभी बैठी हुई है, ऑर्डर कर रही हो सबको ऑर्डर। ए सबका एक बार नाम बता दो, किसका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना महतो नाम। मेरा रचना। क्या? रचना। रचना। और उसका? मेरा। मनीषा। अच्छा देखिए सब का नाम तो आप लोग पता। क्या 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 नाम है आपका? प्रियंका नाम है इसका। प्रियंका चोपड़ा, मतलब उससे भी कम नहीं है ये तो। हाँ क्या बोल रहे? सुलचना। सुलचना नाम है। और एक चीज आप लोगों को बताने वाले थे हम, कि वो जो घंटी बोल रहे थे, तो मंदिर में घंटी क्यों रहता है? पता नहीं। पता नहीं क्यों बजाता है घंटी? भगवान शिव को जागरूक करने के लिए, इसलिए पहले घंटी को बजाया जाता है। मेरे को ऐसे लगा, उसे लगा पता नहीं, मतलब मुझे जितना पता है कि घंटी मतलब मंदिर हम लोग आते हैं दिमाग को शांति करने के लिए। हाँ क्योंकि हम लोग के पास दो दिमाग है, दो साइड है, जब घंटी का आवाज़ मिलता है ना और थोड़ा शांत हो जाता है। वैसे हम सुनने में आया तो मुझे भी उतना खास याद नहीं है, तो वो थोड़ा और शांत हो जाता है घंटी का आवाज़ सुनने से। तो इसीलिए घंटी का आवाज़ से दिमाग थोड़ा शांत होता है, उसीलिए घंटी बजाया जाता है हर मंदिर में, देखने को मिलेगा आपको। और अगर कोई बात है तो मुझे उतना मालूम नहीं है, अगर है तो थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट करके। और अभी शाम होने चला तो क्या क्या बोल रहे हैं, यहाँ से निकल जाए, निकला जाए यहाँ से, क्योंकि बहुत दूर भी है। हाँ दूर तो है, 1 किलोमीटर। अरे तुम कुछ बोलो। वो देखिए देखिए वहाँ पे चला गया घंटी बजाने। सो दोस्तों आप लोगों को बोल रहे थे कि ना एक ठो रहस्यमय बातें, तो रहस्यमय दो ठो है, एक ठो नहीं दो ठो रहस्यमय बातें हैं यहाँ पे। तो पहला तो जब मेरा शादी हुआ ना, तो सबसे पहले घुमाने के लिए ले आया था मेरा भाई पे यहाँ पे सूरत में, पहला जब जिस दिन आए थे हम अकेले उसी दिन यहाँ पे घुमाने के लिए ले आया था। और सेकेंड जो रहस्यमय बात है, सेकेंड का रहस्यमय बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा खनिज है, बहुत सारा खनिज है यहाँ पे। और जब रिसर्च लोग आया ना, तो उन लोगों का शायद मतलब रिसर्च जो मशीन उशीन होता सब खराब हो गया, मशीन उशीन सब खराब हो, जो गाड़ी था वो भी खराब हो गया। दो तीन बार
उससे सेम पोजीशन हुआ। जब मशीन ला रहा ख़राब हो जा रहा है, मशीन फिर रिटर्न जा रहा, फिर मशीन लेके आ रहा है, फिर ख़राब हो जा रहा। तो ऐसा करके बहुत सारा मशीन ख़राब हो गया। उस टाइम पूरा इलाका को पता चल गया कि यहाँ पे खनिज है। तो उस टाइम क्या किया ना उन लोग, एडो यहाँ के सरदार जी है, सरदार जो सिंह, वहाँ पे ले ले शिवलिंग ला के गढ़ दिए यहाँ पे। और उस टाइम से दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है करीबन जो मतलब 10-15 साल हो गया है। और जो कि जो यहाँ सरदार जी, उसको मेरे तरफ से सलूट, क्योंकि झारखंड का जितना भी खनिज पदार्थ था सब तो बाहर देश मतलब चोरी हो गया है, कोई मतलब दलाल बेच दिया है उसको। ऐसा करके जितना भी खनिज था मतलब झारखंड से सब बाहर हो गया है। तो इसीलिए यहाँ का जो खनिज पदार्थ था यहाँ पे मतलब रोक के रखा। चलते हैं उधर, किसी कुछ कमी हो गया है, रोने लग गया ही है उधर। देखिए देखिए कैसे रो रही है, मेरा एक साली रोने लग गई। ओ देखिए कैसे रो, क्या नाम तो पता है इसका, सुलचना को देखिए, ये देखिए। और इधर सब कोई बैठी हुई है, का सबको यहाँ बैठी हुई डांस करने वाली है। अच्छा अभी डांस होगा, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा डांस दिखा देते हैं। पतला कमरिया वाला गाना बजाइए तब ना करेंगे। अच्छा पतला कमरिया वाला चलेगा। हुआ दोस्तों, तो फिलहाल शाम होने को चला। देखिए सूरज मामा कितना नीचे आ गया है, मतलब आ रहा चुंडू मुंडू पांडू पांडू सब को लेके आए हैं। तो इस सब को अभी लेके भी जाना होगा, करीबन थोड़ा सा दूर है यहाँ से, उतरने के में तो टाइम लग जाएगा, उतरने में टाइम लग जाएगा। देखिए जो सबको जैकेट खोला था वो भी सबको अभी पहन रहा है ठंडा के चलते। तो चलिए यहाँ से अभी निकलते हैं। और आप लोगों के वाला ब्लॉग कैसा लगा थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या बोल रहे हैं, कुछ कह रहा है दोस्तों आप लोगों को? गर्मी लगा ना इसलिए हम लोग खोल के रख दिए थे। अच्छा आने का टाइम गर्मी लगा इसलिए खोल के रख दिए थे। हाँ और किसका डांस अच्छा लगा, देखिए छोटी मैया। अच्छा यहाँ पे मतलब बेर का भी पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, सनी पेड़, ये वाला सनी पेड़ है ना? हाँ। लग तो रहा है वैसे ही, इधर भी सनी पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी सनी पेड़ है, सनी पेड़। और उस साइड में भी एक गो है बोर, वो तो वहाँ पे भी एक तो है। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो वो देखिए देख अकेले पहन रही है बेचारी, कोई भी पहना नहीं दे रहे हैं उसका सैंडल। हाय 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 पतली कमरिया बोला हाय हाय हाय। कुछ कहना चाहते हैं? शाम होने वाला है अभी घर चलेंगे तब। और सबका ड्रेस देखिए एक ही जैसा है, एक ही जैसा, एक कलर, सब बहन भी तो है ना, तो सब कलर है दोस्तों। तो आप लोगों के वाला ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे बोलिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक बार सब मिलके बाय बाय।